शहीद हुआ होगा, ना जाने तेरी माँ कैसे रोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। आज हम पूरा देश 75 महोत्सव मना रहा है आज़ादी का, और इसमें पार्टिसिपेट हर स्कूल कर रहा है। खासकर जब मैं बात करता हूँ हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है अमृत महोत्सव में, इनका खुलकर पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। ये तिरंगा यात्रा पूरे शहर के अंदर जाएगी, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन पर तिरंगा, हर वाहन पर तिरंगा। ये तिरंगा अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वें अमृत महोत्सव की निशानी है। सुनीता जी नमस्कार। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं पूरे देश के अंदर। जी सर। हर घर झंडा, हर प्रतिष्ठान पर झंडा, हर स्कूल पर तिरंगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है आपको? आपकी ये एक रैली निकल रही है पूरे शहर के अंदर। हाँ जी सर। सर वास्तव में मेरा हृदय जो है वो गदगद हो रहा है कि हमारा हर विद्यार्थी, हर अध्यापक जो है वो अपने देश के प्रति समर्पित है और उनमें ऐसी भावनाएं हैं सर। तो इस अमृत महोत्सव को हम पूरे जश्न से मनाएंगे सर। आने वाली नस्ल को ये पता लगे कि इस तिरंगे की शान तीन रंगों, सैफ्रन, वाइट और ग्रीन जो है, इस ये तिरंगा क्यों बना, इसके पीछे कितने यानी कि रन बाकरों ने कुर्बानी दी, इसी का ये एक ऑब्जेक्ट है और उद्देश्य भी है, जिसको ये हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी, जो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जा के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यह रैली को हरी झंडी दिखा रही हैं मैडम, और ये बच्चे हैं। बेटे तिरंगे का महत्व बताइए हमें। हमारे देश में तिरंगे का बहुत महत्व है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है, हमारा नेशनल तिरंगा है सर। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यस। आपको मालूम है हाइट तो बहुत लंबी है अमिताभ बच्चन जैसी आपकी। यस। क्या सर? तिरंगा हाथ में क्यों लिए? तिरंगा सर अब रैली निकालने के लिए लेके जा रहे हैं। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये रैली निकाल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। ये हमारे देश के जो वीर सैनिक है उनको ये रिप्रेजेंट करता है ये रैली, उनके लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। गुड नेम मिस्टर सत्य। द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। ओके सर, वी आर सेलिब्रेटिंग अमृत महोत्सव अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यस सर। द थीम हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा। यस सर। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द मार्टायर्स आल्सो? या इट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट, दिस टाइप एक्टिविटीज दे कैन रिकॉल द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर एंड अबाउट देयर लाइफ। दे कैन रिकॉल द फ्रीडम फाइटर एंड अबाउट देयर सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। सैल्यूट करता हूँ मैं आपके स्कूल को, जो अवेयरनेस के लिए इस तरह से रैली निकाल रहे हैं। धन्यवाद सर। और भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे तिरंगा यात्रा लेकर अमृत महोत्सव के लिए रैली निकाल रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी नितिन शर्मा के साथ, हम आज आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं और खड़े हैं SD महिला PG कॉलेज के अंदर, जहां की छात्राएं एकदम से जोशीली हो गई हैं और राष्ट्र पेट्रियोटिज्म की भावनाओं से ओतप्रोत होकर ये जय घोष कर रही हैं, और इन्होंने तिरंगा यात्रा पूरे शहर के अंदर निकाली है। इनके साथ हैं वर्दी प्रिंसिपल, मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर शीलू कुमारी व मैडम राजबाला, चारू गुप्ता, और कॉलेज दीपिका, मैडम दीपिका, कहाँ दीपिका, बहुत लीन है। तो मैं जानूंगा डॉक्टर साहब से सीधे सीधे कि बहुत प्रिकली हीट है और आपकी बच्चियों में इतना जोश खरोश अमृत महोत्सव के लिए क्यों है? सबसे पहले तो मैं हंसी की आवाज़ के चैनल श्री राजीव बंसल जी का और इनकी पत्रकारिता के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरी छात्राओं की गतिविधियों को समाज के समक्ष रखने में ये इनका अहम भूमिका होती है और हमारे शॉर्ट नोटिस पर महाविद्यालय में पहुँचते हैं, तो स्वागत है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पिछले एक साल से मेरी छात्राएं हमेशा या हर सप्ताह में कोई ना कोई गतिविधियां
इस महाविद्यालय में जनमानस के लिए या उस समाज के लिए या अपने आप को एक तरह से वो करने के लिए महाविद्यालय के अंदर क्रिया रूप दे रही हैं। और आज इन्होंने हम सब ने मिल के ये एक ठाना है कि 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक महाविद्यालय 11 अगस्त से लेकर के हम 15 अगस्त तक हम रोज़ाना कोई ना कोई गतिविधियां जारी रखेंगे। आज मेरी छात्राओं ने 11 अगस्त में पूरे हांसी शहर में सनातन धर्म महिला महाविद्यालय से चल के उमरा गेट होते हुए बड़सी गेट होते हुए और शहीद स्मारक तक आए यात्रा निकाली और वहाँ पर मेरी छात्राओं को गर्म जोशी के साथ रास्ते में तो सबने किया ही प्रवीण अलावादी चेयरमैन जी ने वाइस चेयरमैन अनिल बंसल जी ने और एक्स चेयरमैन सुमन शर्मा जी ने सब ने मेरी छात्राओं का बड़ा स्वागत किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि छात्राओं ने एक बीड़ा उठाई है कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, हर बेटी के मन में कुछ करने का जज्बा और इसको क्रिया रूप देने के लिए जनमानस को जागरूक करने के लिए आज इन्होंने पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरी खुशी खुशी मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर शिलू कुमारी। शिलू कुमारी जी, हर घर तिरंगा, क्या हम अपने यानी कि आज़ादी के वक्त की मेट्रॉइड्स को याद करते हैं? बिल्कुल। नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, वही अनुभूति लेने के लिए, बच्चों में वही जोश भरने के लिए ये यात्रा आज हमने निकाली। बल्कि जनमानस के अंदर भी ये लोगों को दिखाने के लिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने गली गली में जब जश्न मनाया होगा तो वो कैसा लगा होगा जब लोग तिरंगा लेके गलियों में निकले होंगे। तो आज हमने बस चारू गुप्ता, यू आर वेयरिंग वेरी गुड स्पेक्स हियर। तो थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर, वी आर ब्लेस्ड, वी मस्ट बी ब्लेस्ड दैट वी आर गर्ल्स, वी मस्ट प्राउड ऑन आवर सेल्स। और सर, मैं सभी बच्चियों के लिए यही शिक्षा दूंगी कि सपने देखो और सपनों को जियो। यू आर रिमेम्बरिंग योर पास्ट मेमोरी ऑफ द मर्टायर्स हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, जय, भारत माता की, जय।